महीने का वक्त दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बड़ी विनम्रता से बड़े अदब के साथ एक महीने में आप पुरानी पेंशन पर निर्णय लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले रिटायर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। कल भोपाल में बड़ी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन करे। यहाँ भी बैठ के मंथन हो रहा है, हम कहे ज्यादा ज्यादा एक महीने का टाइम दूंगा, बस ठीक रहेगा एक महीने का, बस इससे ज्यादा नहीं। आप क्या सहमत हैं? सहमत है। एक महीने का वक्त दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, दोनों पेंशन बहाल करे, वक्त दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बड़ी विनम्रता से बड़े अदब के साथ एक महीने में आप पुरानी पेंशन पर निर्णय लीजिए। एक महीने बाद निर्णय इधर वाले करेंगे, उधर वाला काम खत्म हो जाएगा। वो तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान कर दो है कि अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में बनी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दुआइजे है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। हजारों में वेतन पाने वाले कर्मचारी को परिवार पालन के लिए सैकड़ों रुपए में पेंशन मिल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। पुरानी पेंशन का मुद्दा पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग राज्यों में है और अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा को एक बार फिर से हवा मिल गई है। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल।